हेलो रिजन सर, करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर आज सॉल्व करेंगे जीएफजी के प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो सबसे पहले अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसके प्रोज देखेंगे, उसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड, सी प्लस प्लस में और जावा में भी। तो स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या कह रही है। इंप्लीमेंट पावर ऑफ एक्स की पावर एन, ठीक है, परसेंट एम, एम आपके पास दिया हुआ होगा। इन अदर वर्ड्स फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड एम फाइंड एक्स रेशियो की पावर एन परसेंट मोड। बिल्कुल सिंपल सी ये बात कही हुई है, ठीक है, लेकिन सिंपल वे में हम सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। एक सिंगल लूप लगा के हम काम नहीं चला सकते। मतलब अगर आप सोचो मैं एन टाइम्स लूप लगाऊंगा, एक्स को मल्टीप्लाई करता चला जाऊंगा, वो काम नहीं कर सकते क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपने पास लॉग एन यूज़ करनी है, ऑफ एन यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। तो अभी मतलब इसका कोई और वे अपने को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल वगैरह ये वाले नहीं देखते, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल अपना व्हाइट बोर्ड पर जाकर बनाते हैं, ठीक है, वहाँ पर देख रहे होंगे। अभी अपना व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं, ठीक है। हमारे पास हम ले लेते हैं कि हमारे पास जो एग्जांपल है ना, वो क्या देते हैं हम, टू रेज टू द पावर आपको 8 निकालना है, ठीक है। टू रेज टू पावर 8, शायद अपने पास 256 होता है, ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और उसका मोड हम कह लेते हैं, ठीक है, कुछ भी नंबर ले लेते हैं, 2 3 3 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 से इसका मोड करना है, ठीक है। वो कोई अपने को दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं रहने वाली। चलो जी, अभी सिंपल सा काम हमें क्या करना है कि टू रेज टू पावर 8, टू रेज टू पावर 8 एक्चुअल में जब आप एक सिंगल लूप लगाकर निकाल लोगे, वो कैसे निकल रही होगी, दो को आप कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे ना, ठीक है, 8 बार इस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे और उसका मोड कर रहे होंगे किससे, एम, जो आपके पास 3 की 9 से। लेकिन हम वो काम कर नहीं सकते क्योंकि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सब प्रॉब्लम में डिवाइड करना शुरू कर देंगे, ठीक है। सब प्रॉब्लम में कैसे डिवाइड करना शुरू करेंगे, अब देखो 4 4 चार चार के दो पेयर बन रहे हैं अपने पास। इसका मतलब जब मेरे पास 4 पावर बन जाएगी, ठीक है, जब मेरे पास ये वाला पोर्शन बन सकता है, तो मैं इसको ही अगर 2 बार मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा पूरा 8 बन जाएगा, ठीक है। इतनी बात मेरे को समझ में आती है, ठीक है। अब 4 वाले को भी अगर मैं ध्यान से देखूं तो उसमें भी 2 का पेयर बन रहा है, ठीक है। तो मतलब अगर जब मेरे पास 2 का पेयर बनेगा, उसको मैं 1 बार और मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 का बन जाएगा, उस पूरे को 1 बार और मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8 का पेयर बन जाएगा। तो मेरी जो कैलकुलेशन है वो किस तरह से चल रही होगी, 2 4 8 16, जैसे 2 रेस्ट पावर 1 2 3 4 5 6, इस तरह से जो है मेरी नंबर ऑफ पावर्स एक किसी नंबर की बनती चलेगी, ठीक है। अब देखो वो भी अपने पास कैसे बनती चलेगी, जैसे मेरे पास 2 रेस्ट पावर हमें 8 निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, फिर ये जो आया इसको इसी से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास सेकेंड बारी में क्या हो जाएगा, कुछ इतना पोर्शन बन जाएगा, फिर ये जो आया इसको इसी से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मेरे पास जो थर्ड बारी में जो पोर्शन बन जाएगा वो इतना बन जाएगा, मतलब 3 बारी मेरा काम नहीं बढ़ जाएगा, मेरे को 8 बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा काम हम कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अभी आपको एक डाउट आ सकता है, क्या कि यहाँ तो 2 रेस्ट पावर आपने 8 लिया, ठीक है, वो 2 4 8 करके पूरी पूरी बनेगी। अब 2 रेस्ट पावर 10 हो, 8 के बाद तो सीधा क्या बनेगा, 8 वाले को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, वो तो आपकी 2 रेस्ट पावर 16 बन जाएगी, ठीक है, या 3 रेस्ट पावर 16, कुछ भी आप कह लो, ठीक है, नंबर कुछ भी हो, x कुछ भी हो, उसकी पावर हमेशा ऐसे चलने वाली है, 2 4 8 16, इस तरह से अपनी चलने वाली है अगर हम बिल्कुल सिंपल सेम मेथड यूज़ करते हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं करते, ठीक है। अब ये भी मेथड अपना किस तरह से चल रहा होगा, इसमें मॉडिफिकेशन क्या कर रहे होंगे, ठीक है, वो आपको समझना है। अब देखो हमारा जो एक्चुअल मेथड चल रहा होगा वो किस तरह चल रहा होगा कि मेरे पास n जो है, एंड मेरे पास आया है जी 8, कि मेरे को पावर 8 निकालनी है, अभी सिंपल की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो जी, और मेरे पास जो x है वो है मेरे पास कितना भाई, 2, ठीक है। अभी तक जो मेरा जो n है, ठीक है, वो नॉट इक्वल टू है 0, अभी तक वो 0 नहीं हुआ, ठीक है। एक वाइल लूप लगा लेंगे बिल्कुल सिंपल सी, ठीक है। इसका मतलब अभी मेरी जो पूरी पावर मेरे को चाहिए वो मिली नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा इसका मतलब ये है, ठीक है। अब मेरे पास हर बार मैं क्या करूँगा, जैसे 2 अभी सिंगल है तो उसको उससे ही मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो x मेरा क्या बन जाएगा, 2 क्रॉस 2 पहली इटरेशन में। अब n क्या, n मेरा हर बार हाफ होता चलेगा, क्योंकि देखो मेरी पावर किस तरह चल रही है, 2 4 8, मेरी पावर भी डबल होती चल रही है ना, तो n मेरा उसी तरह से हाफ होता चलेगा, ठीक है। तो n मेरे पास फर्स्ट इटरेशन के बाद यहाँ पर बन जाएगा 4 8 डिवाइड बाई 2 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम आए नेक्स्ट इटरेशन में, अब नेक्स्ट इटरेशन में घूम कर आए तो अब इसको इसी से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा मेरा 2, बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट इटरेशन में फिर आए घूम के, इसको इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी ये कितनी पावर थी 4, ये बन जाएगी कितनी 8, और ये क्या हो जाएगा जी, ये बाबूजी हो जाएंगे 1, ठीक है। 1 हुआ, इसका मतलब मेरा काम समाप्त हो चुका है, ठीक है, मेरे को वाइल लूप से बाहर नहीं आना। 1 हुआ, मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर चेक करूँगा कि हाँ भाई मेरा 1 हो चुका है, ठीक है, 1 हो चुका है, तो ठीक है भाई
जितना अभी तक एक्स के अंदर पड़ा है, ठीक है, वो मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है, तो उसको मैं किसी वेरिएबल में पाकर लास्ट में रिटर्न कर दूंगा। तो ये बात हुई अगर मेरी सिंपल 2, 4, 8 इस तरह से पावर बन रही है, लेकिन अगर इसमें कोई चेंज है, कह लेते हैं 2 रेस्ट पावर 10 कह दिया आपको बनाने के लिए, ठीक है। अब अगर आप वो वाला मेथड जो हम अभी यूज़ करते आ रहे हैं, ठीक है, वो यूज़ करोगे, अब देखो सिंपल सा क्या होगा, एन नॉट इक्वल टू रहेगा 0, बिल्कुल सिंपल, जब तक वाइल वाइल लूप यहाँ पर चल जाएगी, ठीक है, इसके अंदर हम आ जाएंगे, ठीक है। अब जो 8 के लिए जितनी बार लूप चली थी, अगर आप ध्यान से देखोगे 10 के लिए भी आपकी उतनी बार लूप चलेगी, ठीक है। देखो 8 के लिए आपकी लूप कैसे चली थी, 8, 4, 2, 1, 10 के लिए लूप कैसे चलेगी, 10, 5, 2, 1, ठीक है। तो लूप आपकी इतनी बार चलेगी कब तक, जब तक आपका यहाँ 16 नहीं आता, जब 16 आएगा तब एक बार बढ़ जाएगी, ठीक है। 8, 16 जब आएगा तो 5 बार चलेगी, ठीक है, 16 या 16 से ज़्यादा वाला आपका नंबर आएगा। लेकिन जब तक आपका 8, 10, 12, ठीक है, 12 के लिए भी देख लो, 12, 6, फिर 3, फिर 1, ठीक है, तो 12 के लिए भी वही रहने वाला है। तो मतलब अगर आप सिंपल वही कोड चलाओगे 2 रेस्ट टू पावर 10 के लिए भी, जो 2 रेस्ट टू पावर 8 के लिए चल रहा है बिल्कुल, कि लास्ट में जाके जब एन आपका 1 बन जाए, तो एक्स की जो वैल्यू हो, एक्स की वैल्यू उस टाइम क्या होगी, 2 रेस्ट टू द पावर 8, तो आपका 2 रेस्ट टू द पावर 10 नहीं निकाल पाओगे आप, आपकी 2 रेस्ट टू द पावर 8 आंसर आ जाएगी। 12 के लिए भी आपकी 2 रेस्ट टू द पावर 8 आंसर आ जाएगी, 10 के लिए भी वही आएगी और 8 के लिए भी वही आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। अब चेंज क्या करना पड़ेगा, 2 रेस्ट टू द पावर 10 एक्चुअल में होती क्या है, देखो 2 गुना 2 आप कह लो, ठीक है, गुना 2 रेस्ट टू द पावर 8, ये पोर्शन आपको मिल रहा है, इतना पोर्शन आपको मिल रहा है, लेकिन ये पोर्शन आपको मिल नहीं रहा है ना, ये पोर्शन आपका लीव हो रहा है। अब ये पोर्शन आपको कब जाके मिल रहा है, देखो आप 10, 5, 2, 1, समझो मेरी बात को, यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, जब आपका जो एन बना वो आपका ओड बन गया, सिमिलर सिंपल सी बात, ठीक है। अब 2 रेस्ट टू पावर 8 की बात करें तो वहाँ पर भी ये पोर्शन आपको कब मिल रहा था, जब आपका एन ओड बन रहा था, ठीक है, उससे पहले आपका एन कभी ओड नहीं बनेगा, क्योंकि 2 रेस्ट टू पावर 8 मैंने आपको बताया सिंपल बनती है, जैसे 2 रेस्ट टू पावर 16 वो 2, 4, 8 इस सीक्वेंस में आती है, तो आपका कभी सिर्फ लास्ट में जाकर रोड बनेगा, बीच में कभी और नहीं बनेगा। लेकिन आप इस वाले में अगर आप ऑब्जर्व करोगे, आपका बीच में एक रोड बन रहा है, बीच में रोड बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि भाई हाँ भाई जो अभी तक का पोर्शन आया है, ठीक है, यहाँ पर 2 रेस्ट टू पावर सिंपल 1 होगी, यहाँ पर 2 रेस्ट टू पावर 2 हो जाएगी, यहाँ पर 2 रेस्ट टू पावर 4, यहाँ पर 2 रेस्ट टू पावर 8। अब यहाँ पर रोड बन रहा है, ये क्या इंडिकेट करेगा कि अभी तक जो आपकी पावर आई है 2 रेस्ट टू पावर 2, एक पोर्शन तो वो आपका आंसर में अलग से रहने वाला है, ठीक है। ये ब्रेक कर रहा है अपने जो सीक्वेंस बनती है ना, 4, 2, 4, 8, 16, 32, ठीक है, उसको ब्रेक कर रहा है जैसे ही ओड आ रहा है। इसका मतलब भाई हाँ, हमारे कुछ ना कुछ बीच में ब्रेक होएगा, हमारी मतलब पूरी पावर नहीं है जो हम एक्चुअल में, जो हम एक्चुअल सीधा डायरेक्ट कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं वैसी पावर नहीं है, ठीक है, हमारा कुछ ऊपर नीचे है। तो वो हमारा 5 हमें बता देगा कि अभी तक जो पावर है 2 रेस्ट टू पावर 2 वो मेरी एक अलग से पावर है, ठीक है, बाकी आगे चलते रहो, फिर आपका लास्ट में 1 मिलेगा, तो 2 रेस्ट टू पावर 8 आपकी एक अलग से जाएगी, 2 और 8 आपकी मिलकर 10 बन जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सा हमें काम क्या करना है, जब भी आपका n% 2 हो जाता है ओड, ठीक है, तो उस टाइम पर जो भी एक्स एक्स की पावर होगी, ठीक है, उस टाइम पर जो भी होगी वो आपको एक आंसर वेरिएबल हम ले लेंगे, ठीक है, उसमें मल्टीप्लाई कर देनी है, आंसर मल्टीप्लाई बाय एक्स, फिर इसका मोड पे कर देना है। अब सिंपल सा ये काम कैसे चल रहा होगा, देखो दोबारे से इस वाले को ड्राई रन कर लेते हैं हल्का सा, जब एन आपका 10 है उस केस के लिए, है ना, यहाँ पर कोई भी आंसर वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, ओके करते हैं, पहले उसको इफ़ n% 2 = 1, आंसर में आपका आंसर गुणा एक्स जा रहा होगा। अब देखो जब आपका एन हुआ 10, तो एक्स की वैल्यू आपकी क्या हुई, एक्स की वैल्यू आपकी स्टार्टिंग में 2 थी, आपने करते 2 गुणा 2, इसको मतलब 2 रेस्ट टू पावर 2 होगी, एन आपका कितना हो गया 10/2, 5। अब जब आप लूप में घूम कराओगे, आप चेक करोगे एन क्या है, आपका एन ओड है, इसका मतलब आंसर में जो भी एक्स की वैल्यू क्या है 2 रेस्ट टू पावर 2, तो आंसर में अभी तक 2 रेस्ट टू पावर 2 मल्टीप्लाई हो चुका है, बिल्कुल सिंपल सी बात। उसके बाद आप आए, आपने क्या करा, 2 रेस्ट टू पावर 2 को क्या कर दिया, उसको ही उससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 रेस्ट टू पावर 4 हो गया, इसको डिवाइड बाई 2 कराइए 2 हो गया, फिर घूम कर आए ओड नहीं मिलेगा क्योंकि वैल्यू 2 है, ठीक है, फिर आपने इसको क्या करा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 रेस्ट टू पावर हो गया कितना 8, ये हो गया 1, फिर आप घूम कर आए, आपने देखा 1 तो ओड है, इसका मतलब आंसर में 2 रेस्ट टू पावर 2 तो थी ही, 2 रेस्ट टू पावर 8 भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, फिर आप यहाँ पर घूम कर आओगे, आपका 1/2 0 बन जाएगा, उसके बाद कोई आप लूप में वापस घूम कर नहीं आओगे, ठीक है, तो आपका जो फाइनल आंसर 2 रेस्ट टू पावर 10 मोड एम हम हर बार करते चलेंगे वो आपका बन कर आ जाएगा, ठीक है। जो उसकी टाइम और स्पेस आपका लग रहा होगा जी, वो बिल्कुल सिंपल से रहने वाला है, हमारा किस तरह से चल रहा है प्रोसेसिंग, 2, 4, 8,
16, 32 इस तरह से चल रहा है, ठीक है। तो अगर आपके पास देखो अगर पावर 32 है तो कितनी बार चलेगा, 1, 2, 3, 4, 5, सिंपल आप क्या कह सकते हो, लॉग एन। अगर आप देखोगे लॉग 32 क्या होगा, लॉग 32 विल बी लॉग 2 रेशियो टू पावर 5, 5 आगे आ जाएगा, 5 लॉग बेस 2, ये बेस 2 ही होता है, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, इसकी वैल्यू बन जाएगी 1, तो 5 आ जाएगा आंसर, 5 मतलब 5 बार आपकी लूप चल रही है, ठीक है। तो लॉग एन इसका बनकर आएगा टाइम, लॉग एन स्पेस को यूज़ नहीं करेंगे ऑफ 1, रिकर्सिव वगैरह अप्रोच यूज़ नहीं करेंगे, इटरेटिव में ही काम चलाएंगे, ठीक है। रिकर्सिव वगैरह आप यूज़ करते हो तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा स्पेस लग जाता है, ठीक है, अपना रिकर्सिव स्टैक स्पेस, ठीक है। तो इटरेटिव मेथड ही कर रहे होंगे, अभी चलते हैं, करते हैं इसको C++ और जावा में कोड। देखो जी हमारे पास हमें क्या लेना है, सिंपल लॉन्ग लॉन्ग इंट, ठीक है, इंट आंसर 1 से ले लेते हैं, इसमें जो भी पावर आएगी उसको मल्टीप्लाई करते चलेंगे, 0 नहीं ले सकते, मल्टीप्लाई करोगे तो फिर सब कुछ 0 बनता चलेगा, जब तक आपका n ग्रेटर देन है 0। ये C++ में सिंपल भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इफ n परसेंट टू इक्वल इक्वल 1 लिख लो या ना लिखो, C++ में चल जाएगा, ठीक है। आंसर में आपको क्या कर देना है, आंसर मल्टीप्लाई बाय एक्स परसेंट एम, बिल्कुल सिंपल मैंने आपको बता दिया, जब भी ओड आता है तो आंसर मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। एक्स को हमेशा क्या कर देना है, उससे उसको ही मल्टीप्लाई कर देना है, ऐसे पावर 2, 4, 8 ऐसे चलती रहेगी अपनी, ठीक है, और परसेंट एम भी अपना कर देना है इसको, ठीक है। एन बाय इक्वल टू 2, एन को हर बार 2 से डिवाइड करते चलना है, लास्ट में रिटर्न कर देना आंसर एक बार, इसको आपको रन एंड सबमिट करके दिखाते हैं जी, कोई एरर होता है तो अभी देख लेंगे ना, सही चलना चाहिए वैसे तो, सही चल रहा है ना, सबमिट करते हैं इसको, फिर सेम पैटर्न मैंने जावा कोड लिखा हुआ है वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एक बार अपना ये सबमिट हो जाए, ये वो सबमिट, चलते हैं जावा कोड की तरफ। अब यहाँ पर भी मैंने सिंपल क्या करा जी, लॉन्ग आंसर लिया, वाइल लूप लगाई जब तक एन ग्रेटर देन है 0 से, ठीक है, जब भी एन ऑड आ जाता है तो आंसर में एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंट टाइम हर बार करना है, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करना है ताकि 2, 4, 8 और 16 इस तरह से अपनी पावर चलती रहे, एन को हर बार डिवाइड बाई 2 करना है, ठीक है, क्योंकि हम हर बार पावर उसी से उसी को मल्टीप्लाई करते चल रहे हैं तो वो डबल होती चल रही है, इसलिए एन को भी हाफ ऑफ करते चल रहे हैं, ठीक है। लास्ट में रिटर्न करते हैं आंसर, एक बार इसको आपको सबमिट करके दिखा देता हूँ, गाइस दोनों कोड का लिंक और अपने लिंक इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो, किसी प्रकार का भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।